आपके चांद का दीदार हो गया है। ईद उल फितर के इस्तकबाल के लिए मुसलमान भाई एक साथ आए और नमाज अदा की। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बुधवार 10 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया गया था, जबकि ज्यादातर हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है। देश के कोने कोने से ईद पर नमाज अदा करने की वीडियो आ रही है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नमाज अदा की और दुआ मांगी। आज के पाक दिन को लेकर नमाजियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज जामा मस्जिद पे ईद की नमाज पढ़ी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है। लोग पूरे 30 दिन के रोजे रखने के बाद आज ईद की तैयारी में लगे हुए थे, जिसकी नमाज जामा मस्जिद पे अदा की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये हमारा जो है बहुत अच्छा त्यौहार है। साल में 2 ही बार आता है बस, और ईद पे सब नए कपड़े पहनते हैं और हम हर साल जो है जामा मस्जिद में ही आते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल रहता है और यहाँ पर काफी अच्छा फील होता है नमाज पढ़ के। मुंबई के माहिम दरगाह से भी कुछ ऐसी ही झलकियाँ आई, जहाँ ईद की रौनक देखते ही बन रही थी। दरगाह को जगमगाती लाइटों से रोशन किया गया था, जिसके सामने लोगों ने सिर झुकाकर अपनी नमाज अदा की। नमाजियों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में दरगाह पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों ने कतार में बैठकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। सभी ईद के मौके पर उत्साहित दिखे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर नमाज अदा की।